हाय दोस्तों नमस्कार। आइए एक बालकनी का मार्किंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या बैठता है, कैसे आता है। हम करेंगे ठीक है, तो एक ये आएगी और दो इसके साथ में ये आएगा ठीक है। तो आइए मार्किंग बताते हैं इसका, कितने कितने पे लगाएंगे। सेंटर निकाला है, ये टोटल हमारा है 100 इंची, 100 में 1 इंची कम है, 99 इंची है, 99 का 49.5 किए हैं। और इधर से देख सकते हैं 49.5 इंची है ठीक। इसको हमने इधर ये हमने 3 इंची छोड़ के एक पाइप डाला हुआ है सिंगल वाला। सेंटर लेंगे 3 इंची क्योंकि 6 इंची पट्टा है। और यहाँ इसको एक ये लगाएंगे, इसके बाद एक ये लगाएंगे, और इसके बाद दो हम ये वाला लगाएंगे दो ठीक है। तो गैपिंग का मार्किंग करते हैं। ये हमने रखा हुआ है 7.5 इंची, 8, 8.5 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, लेकिन गैप थोड़ा जगह कम है। ये हमने रखा है 7.5 इंची, ये थोड़ा दूरी कम है तो नज़दीक नज़दीक डाल देंगे, नहीं तो ये हम कर सकते हैं 8.5 भी डाल सकते हैं इसको, और दूसरा करेंगे फिर 7.5 इंची। तो ये हमारा डिज़ाइन खड़ी हो जाएगी ये ठीक है। तो जैसे ये हमारा है 9 इंची के आसपास है, 7.5 इंची है। तो अब यहाँ से देखेंगे सेंटर 7.5 का आधा हमारा हो जाएगा, 4.5 नहीं, यानी हमारा ये 7.5 इंची है। तो इस सेंटर में हमारी डिजाइन जब खड़ी होगी तो 4 इंची 3 सूत इधर हो जाएगी, 4 इंची 3 सूत इधर हो जाएगी ठीक है। इतना हमारा जगह कवर करेगी ये डिजाइन, बाकी बच जाएगा हमारा 3.5। तो हम ये 4 पे मार्किंग करेंगे, तो इसमें भी 3.25 बचेगा, इसमें भी 3.25 गैपिंग बचेगी जब ये खड़ी होगी। तो ऐसे देख लीजिए, जब इसको ये सेंटर हमारा हो जाएगा और इसको जब यहाँ रखेंगे तो ये गैपिंग हमको मिलेगी। ऐसे रख के नाप सकते हैं तब भी निकल जाएगा। ये देखिए हमारा 3.25 होगा और ये होगा 3.25, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ये थोड़ा हमारा गैपिंग कम आएगा ठीक है। तो ये हमने रखा है 4 इंची, फिर हमने रखा है 7.5 इंची, फिर दूसरा भी 7.5 रखा है, फिर ये हमने रखा है 4 इंची, फिर ये हमने रखा है 7.5, फिर ये है 7.5, इसके बाद 4, 7.5, 7.5, 4, 7.5, फिर इधर 7.5, एक इधर लगेगा, साइड में एक डालेंगे, उस साइड एक डालेंगे, बाकी डबल डबल। इस पे मार्कर नहीं चलेगा, तो ये रेडीमेड मार्कर है, ईंटे का पत्थर का टूटा हुआ। ऐसे प्लस कर लेंगे, ये हमने रखा 3, ये हमने रखा 7.5, ये हमने रखा 7.5, ये हमने रखा 4, ये हम रखेंगे 7.5, फिर 7.5, फिर 4, फिर 7.5, फिर 7.5, फिर 4, फिर 7.5, फिर 7.5, फिर 4,
पौने आठ, ये हमारा फिर चला गया पौने आठ, अगर जैसे हमने ये पौने आठ रखा है और ये चार रखा है, ठीक है, पाइप डंडली के लिए चार रखा है, अगर इसके जगह पे हम इसको साढ़े आठ करेंगे तो इसको फिर हम साढ़े चार करेंगे, ठीक है, साढ़े चार कर लेंगे, पाँच कर लेंगे तब चलेगा, ठीक। इसको अगर हम साढ़े आठ या आठ आठ पे भी इसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा साढ़े चार भी कर सकते हैं, इसको पाँच भी कर सकते हैं हम, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, साढ़े आठ कर लेंगे। डिजाइन थोड़ी चौड़ी पतली जब आती है तो डिजाइन के हिसाब से कम डंडली का गैप आप जो रखना है चार इंची से न रखें ज़्यादा, चार इंची का गैप रखें अंदर अंदर, चार इंची गैप, तो अंदर अंदर चार इंची गैप के लिए आपको पौने पाँच साढ़े चार गैपिंग करना पड़ेगा, ठीक। और उसी के हिसाब से पहले डिजाइन नाप लें कितनी चौड़ी है, उसका देख लें सेंटर दोनों तरफ इधर इधर कितना एडजस्ट करेगा दोनों साइड में। हाँ उंगली कहाँ दिखाओ, उसमें कहाँ वीडियो बनाओ तो टेप पर बनाओ, उंगली दिखाओ पौने नौ है। कोई कोई डिजाइन हमारी आती है आठ इंची, साढ़े सात, अब साढ़े सात होगा तो उसमें थोड़ा गैपिंग कम करना पड़ेगा, तो जैसे हम साढ़े सात का डिजाइन यहाँ रख लिए, साढ़े सात का रख लिए, तो ये हम गैपिंग चेक करेंगे कितना हमको रखना है, उसके हिसाब से एक एक डंडली यहाँ रख लिए, फिर दूसरी उसके हिसाब से रख लेंगे कितना ये गैपिंग आ रहा है, ये वाली गैपिंग थोड़ा हम कम रखेंगे, कम करेंगे इसकी गैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, चल गैपिंग थोड़ा कम रखेंगे, जैसे हमने ये तीन रखा तो ये रखेंगे साढ़े तीन रख लेंगे तो चल जाएगी, ये हमने चार किया, ये हम अगर साढ़े तीन करें तो इसको चार कर लेंगे तो भी चल जाएगी, लेकिन चार से ज़्यादा गैपिंग ना रखें तो ठीक है, चार से ज़्यादा रखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। आपको अगर नाप निकालने में दिक्कत हो तो सबसे अच्छा तरीका है डिजाइन रखिए और ये बराबर करिए, देखिए कितने पे आ रहा है, ठीक, ये कितने कितने पे आ रहा है, इसको रख के निकाल के डिजाइन और गैपिंग निकाल सकते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं हमारी डिजाइन तैयार है बनके रेलिंग, जल्दी आ घंटे लेके आओ, रेडी लेके आओ, ठीक, हाँ कौन तो अपना भी लेते आओ कोई, हाँ भाई एक फोन मारे थे भाई, ये पाइप हमने डाला हुआ है, इधर होल ज़्यादा किया है और उस साइड कम, ठीक है, एक साइड दो इंची तीन इंची होल है, एक साइड एक इंची, और एक साइड ज़्यादा अंदर करके और इधर फिर डाल देंगे तो पाइप पड़ गया पड़ जाएगा, इसका वीडियो नहीं बना पाए हैं, एक साइड कम होल करेंगे एक साइड ज़्यादा होल करेंगे, और ज़्यादा होल के साइड से नाप लेके पाइप अंदर डाल देंगे। कभी भी ऐसी रेलिंग करना हो जैसे बीच में पिलर हो या दोनों तरफ दीवार हो तो एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम होल करें, पाइप जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंदर जो जाती है, तीन इंची पाइप ज़्यादा बड़ा काट देंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तीन इंची होल एक तरफ तीन इंची कर दीजिए, एक तरफ एक इंची, तब भी दो इंची और एक इंची अंदर घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख सकते हैं ये साढ़े तीन इंची है, ये आठ इंची है, ये भी हमारा आठ इंची है, और ये चार इंची है, ये आठ इंची है, ये आठ इंची है, ये चार इंची है, थोड़ा टेढ़ा है यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कैसे लगेगा, बराबर करना पड़ेगा आपको एडजस्ट करके, कैसे आप बराबर कर सकते हैं। अब इसमें दो इंची का पाइप का जो ज्वाइंट बनेगा हमारा इसके हिसाब से बनेगा, दो इंची का पाइप का ज्वाइंट इसके हिसाब से बनेगा, दूसरा इसके हिसाब से बनेगा, ये इसके हिसाब से बनेगा और ये इसके हिसाब से बनेगा, इसका ज्वाइंट इस पे आएगा, इसका ज्वाइंट इस पे आएगा,
और इसका जॉइंट इस पर आएगा 2 इंची वाला। ये जितने डिग्री बने हैं उतने उसके सीधे पे 2 इंची का जॉइंट आएगा। ये 2 इंची होल है अंदर, इधर भी 2 इंची होल है। ये हमारा 10 इंची का आएगा, ये 10 इंची आएगा यहाँ तक, ठीक है। अंदर 2.5 इंची जाना है तो 10 2 12 12.5 इंची का काट लेंगे। और इसका जॉइंट और इसका इस पे है तो ये आ जाएगा 13 इंची, ठीक है। तो इसको हम पहले यहाँ जॉइंट देख लेंगे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है सीधा। ये रेडी हो गया हमारा जॉइंट, इसको बस उठा के उसमें लगा देना है, बाकी हम 13 इंची पे कटिंग करेंगे। हाइट हमारी 35 इंची है, टॉप हाइट 35 इंची, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से लेंगे तो 40 इंची है, ठीक है। ये हमारी रेलिंग तैयार है, देख सकते हैं। गैपिंग देख सकते हैं, इसमें हमारा आया हुआ है 3 इंची, इसमें भी 3 इंची है। गैपिंग हमने बहुत कम रखा है, 3.75-3 इंची के आसपास गैपिंग हमने रखा हुआ है। तो ज़्यादा गैपिंग ना रखें नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। नहीं होगी जरूरी। Thank you.